तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप लोग सब? मचा रहे हो ना? धूम मचा ले ऐसे नहीं मचाना है ब्रो। और सब बढ़िया। तो आज हम लोग जाने वाले हैं बिलासपुर के सबसे सस्ते और बेस्ट पिज़्ज़ा खाने, जो अपना वहाँ पे है मंगला चौक के थोड़ा सा आगे मुंगेली रोड में। तो चलिए हम सीधा आपसे वहीं मिलते हैं। ये दिखने में छोटा है लेकिन इसका टेस्ट है बेस्ट, क्योंकि मेरे दोस्त लोगों ने रिकमेंड किया था, भाई वहाँ जाना, वहाँ पिज़्ज़ा खाना, तब बताना लोगों को, तू भी खाना और लोगों को भी बताना कि कैसा है पिज़्ज़ा। तो अभी हम लोग जाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे और बाहर मेन्यू में बोर्ड में लगा हुआ है, तो मैं आपको मेन्यू दिखा देता हूँ, कितने सस्ते में आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये देखिए पिज़्ज़ा हेवन का मेन्यू, 50 रुपये में पिज़्ज़ा, बर्गर 20 रुपये, सैंडविच 30 रुपये, पास्ता 70 रुपये, शेक 50 रुपये, मॉकटेल 50 रुपये। इतना सस्ता आपको बिलासपुर में कहाँ मिलेगा, केवल पिज़्ज़ा हेवन में मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, बर्गर वर्गर सब खाते हैं, अब मैं बताता हूँ यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो चलिए सीधा अंदर चल। तो अब अपन पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया और पिज़्ज़ा का इंतज़ार करते हैं। तो ये फाइनली अपना पिज़्ज़ा आ गया, देखो 50 रुपये में इतना बेस्ट और टेस्टी अपन खाए नहीं है, देख रहे हो। ये केवल 50 रुपये का पिज़्ज़ा, जो अपन डोमिनोज में खाते हैं तो डोमिनोज का भी अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ का भी टेस्ट करेंगे क्योंकि 50 रुपये में इतना कम प्राइस में, वो भी बिलासपुर में। तो चलिए इसको टेस्ट करके दिखाते हैं कैसा है। तो अब अपन ये पिज़्ज़ा टेस्ट करके देखते हैं। तो टेस्टी यार, मतलब बहुत बढ़िया। 50 रुपये में आप देखो इतनी सारी चीज़, पहले आप चीज़ देखो, ओनली 50 रुपीज़ में चीज़, उसके साथ कॉर्न, और इतना अच्छा टेस्ट आपको बिलासपुर में और कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ के जरूर आप देखिएगा, बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा है। और बर्गर मात्र 20 रुपये में। ये मेन्यू को भी दिखाता हूँ, हर चीज़ मतलब आपके बजट में आप 500 रुपये में भर पेट खा सकते हैं। तो अब अपन पिज़्ज़ा तो खा लिया, अब अपन बर्गर और फ्रेंच फ्राइज और चोकोलावा ऑर्डर किए हैं और उसको भी टेस्ट करके बताते हैं वो कैसा पिज़्ज़ा। तो हमको बहुत अच्छा लगा, 50 रुपये में बहुत टेस्टी, और आगे खाते हैं और बताते हैं वो कैसा लगता है। तो बर्गर में थोड़ा लेट है, तो अपना अपन कैप्सिकम पिज़्ज़ा मंगाएं, इसको भी टेस्ट करके देखते हैं ये कैसा है। तो चलो हम कैप्सिकम पिज़्ज़ा का टेस्ट लेते हैं। इसको तो गर्म लग रहा है, ये कोई काम का भी नहीं, वैसे भी चल मिलते खाते हैं अपन। तो चलो अब अपन आलू टिक्की बर्गर टेस्ट करके देखते हैं। काफी बड़ा है, इसके लिए काफी बड़ा मुंह भी फाड़ना पड़ेगा। टेस्टी यार, बहुत तगड़ा टेस्ट है। मजा कर दीवान तेरे को कैसा लगा भाई? तुम भी मुँह खड़ा आ रहा से ताजे मुँह खड़ा आ। कैसा लगा मीठी टेस्ट? एकदम गजब, मजा आ गया ना। मुंगेली बाई, ओके भैया, टेस्ट बहुत अच्छा था, रीजनेबल रेट भी अच्छा था। अगली बार अगर मेरा कोई दोस्त पूछेगा तो आपके पास भेजूंगा। ओके, थैंक यू भैया, बाय। तो ये फाइनली अपन अपने घर पहुंच चुके हैं। भाई कई थक गए और कई मजा भी आया भाई, इतना सस्ता पिज़्ज़ा और इतना बेस्ट बर्गर, 20 रुपये बर्गर भाई, 20 रुपये का बर्गर, 20 रुपये का। तो भाई आजकल समोसा नहीं आता, 25 रुपये प्लेट समोसा हो गया भाई, मतलब इतना सस्ता। और चलो सस्ता तो था भाई, मतलब इतना टेस्टी करते कैसे हो, छोटी बच्ची हो क्या, मतलब इतना टेस्टी, बहुत अच्छा था यार, मज़ा आ गया बिलासपुर में। तो जैसे बिलासपुर में 80% लोग बाहर से आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो क्या उन लोग का मन करता है कि हम बाहर कैफ़े में जाएं, बाहर घूमें, लेकिन पैसे के कारण वो अच्छे से ना घूम पाते हैं ना खा पाते हैं। लेकिन अब मैं ये सोचा हूँ कि मैं बिलासपुर में ऐसे ऐसे जगह पता करूँगा जहाँ सस्ते में बेस्ट चीज़ मिले, जहाँ अपने दोस्तों के साथ जाके कम प्राइस में अच्छी चीज़ खा सके और ज़्यादा लोग खा सके। तो अब मैं धीरे धीरे वही एक्सप्लोर करूँगा ऐसी जगहों को, और आप सबको भी बताऊंगा मेरे वीडियो के द्वारा। तो चलो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।